हेलो। हेलो, हाँ जी बोलो। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? अरे आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, तुम बोलो ना। आपका मूड नहीं लग रहा मेरे को बात करने का, अरे जा मैं रहा है ऐसा? फोन रखती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कल की बात से बस ऐसे ही सोच रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया या क्या, ये मेरा डाउट सच है या नहीं है, तो इसलिए थोड़ा नाराज था। नहीं, वो आपने बात ज्यादा नहीं कहा और आपका डाउट सही भी नहीं है। ठीक है, लगता है ऐसा। अब पता है कि हर बार मैं आपकी कॉन्फ्रेंस पे ऐड करती हूँ, इस बार मैंने नहीं किया। तो कोई बात नहीं मैम, छोड़ो ये वाली बात, कल वाली बात छोड़ो। ठीक है, आई नो दैट, बट मैं तुमको नहीं खोना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव यू। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी ये सब छोड़ो, अभी ये सब बात करने का सही टाइम नहीं है, आई थिंक सो। अब बोलो, आपका मूड अच्छा है ना? और मॉर्निंग है, मैं खराब नहीं करना चाहता, सो प्लीज। मॉर्निंग है और मैं आपकी मॉर्निंग खराब नहीं करना चाहता, सो प्लीज आप बोलिए, मैं आपसे बात करता हूँ। मेरी मॉर्निंग भी खराब नहीं करनी और अपने भी नहीं करनी है। ठीक है, हाँ तो आप बोलिए, कुछ रोमांटिक सा अच्छा रहेगा ना? कुछ रोमांटिक सा। क्या करते हो? बस सोच रहा था, कुछ और कुछ नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर है ना, तो उसमें कुछ सोचना ही है। हाँ तो नेगेटिव, पता है मुझे आपका, निगेटिव जानती हूँ नहीं, मैं आपका। निगेटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं और चाहता। बस और करो। ओके सॉरी। और ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं यार, अभी तो उठा हूँ, ब्रश वश करूंगा, बाद में करूंगा सब कुछ। अच्छा, आप बताओ, आपका हो क्या सब? नहीं अभी नहीं। फिर और सुनो, बोलो ना। आई लव यू। आई लव यू टू। और मैंने कहा कि आपका हो गया ब्रेकफास्ट? मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुआ, और अच्छा यार, कौन सी आपका आंटी ध्यान मेरे को इतने कहीं सुबह सुबह और कपड़े? लग रहा है। क्यों? हाँ मेरा ध्यान बिल्कुल भी तुम्हारी तरफ नहीं है, पता क्यों नहीं यार, मैं डिस्टर्ब ड्यूटी का पूरा। अरे क्या हुआ ना, बात तो शेयर करो। कल रात को ना मैं बस ऐसी नींद में से उठा, जल्दी सो गया था 10 बजे ही, और समथिंग 12 12:30 बजे नींद में से उठा, और अब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन थे ना, तो मेरे को मैसेज कर रहे थे ना, तो मेरे को गुड मॉर्निंग बोला, और अब बस व्हाट्सएप पे ऑनलाइन थे। इंस्टा पे देख रहा हूँ तो इंस्टा पे भी ग्रुप पे चैटिंग चल रही थी अपने। और दूसरी बात ऐसी कि पता नहीं, छोड़ो यार। मैंने कहा था ना कि आप कुछ नेगेटिव पक रहा है आपके दिमाग में। आपने क्या कहा मुझसे? बात हुई थी ना, आपने कहा कि मेरे को नींद आ रही है, मैं जल्दी सो रहा हूँ। आप 10 बजे सो गए थे, मैंने आपको गुड नाइट विश किया और सो गए तुम। ठीक है, और आपको पता है कि मैं लेट सोती हूँ, तो गुड नाइट के बाद मैं आपको क्यों मैसेज करूंगी, क्यों कॉल करूंगी? बट होता है यार, थोड़ा सा डाउट होता है यार, थोड़ा सा तो मतलब लगता है ना कि मेरे सोने के बाद पता नहीं यार ये किससे बात कर रही होगी, किससे ग्रुप नहीं में कर रही आपको पता होगी। है ना कि क्या बातें होती है, ऐसे फालतू में जो भी बात होती है वो आपको शो हो जाता है ना। हाँ लेकिन वो तो इंस्टा ग्रुप की बात है ना, मैं तो व्हाट्सएप की बात कर रहा था ना, उस पे थोड़ी ना व्हाट्सएप पे नहीं है। क्या करती हूँ मैं? ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों के स्टेटस देखती हूँ, और कौन मुझसे बात करेगा, मैं किससे बात करूंगी? आपसे ओके ही ओके बात ओके करती हूँ ओके, ये हमेशा। बात हम दोपहर में करेंगे, क्योंकि अभी आपका मूड खराब नहीं करना चाहता हूँ, सो प्लीज। बात मेरे मूड की नहीं है यार। आप भी क्यों ऐसे फालतू में सोच रहे हो? मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना, आपको लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। चलो आपको अच्छा नहीं इतना लगता तो है शक ना, नहीं करना चाहिए। चलो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो एक काम करते हैं ना, तुमको बुरा लगेगा यार, छोड़ो यार, मेरे को नहीं बोलना है। बताओ। क्या तुम मेरे को अपना इंस्टा आईडी पासवर्ड दे सकते हो? हाँ, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इधर है कि आप शक कर रहे हैं। शक नहीं ठीक कर रहा हूं, बस है, मैं आप नहीं चाहता मुझसे कि यार तुम अभी अभी इंस्टाग्राम ले रहे हो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं व्हाट्सएप नहीं दे ले सकती सकता हूँ, ना, तो खुशी क्या खुशी करूं? दे सकती हूँ। नहीं, व्हाट्सएप भी ले सकते हो, उसमें क्या है, मेरे नंबर पे आप अपने फोन पे आप मेरे नंबर वाले उधर से लॉग मेरे आउट हो वाले जाओगे नंबर पे तुम, आप। ठीक है? नहीं होता ऐसा, होता है।
बात ये है, मैं दे सकती हूँ आपको अपना व्हाट्सएप भी, अपना इंस्टाग्राम भी, ठीक है? पर फिर आपका शक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर यार पता आप है क्या, अभी व्हाट्सएप मांग रहे हो, इंस्टाग्राम मांग रहे हो, कल को मुझ पर ज्यादा शक करोगे। कल को शायद तुम यही बोल सकते हो कि तुमने दूसरा फोन ले लिया, मुझे नंबर नहीं पता होगा शायद। पता तो नहीं यार, क्या बट चल रहा है आपके दिमाग में? बस इतना चल रहा है कि जब तक कि हम दोनों एक साथ नहीं हो जाता ना, शादी के बाद या जो कुछ बोलो, तब तक के मैं तुमको इस तरह संभाल के रखना चाहता हूँ। लाइक बस तुम मेरे हो, किसी और के नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, हर बात आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लड़का हो लड़की हो, जिससे भी बात होती है, मैं आपको बताती हूँ ना कि आज उसने आई मुझे फोन किया, आज ये बोला। आई लव यू। आई लव यू टू। प्लीज अब मेरे को नहीं पता यार, ऐसे आई नहीं शक मत किया बोलो प्लीज। यार, मैं कैसे कहूँ यार। सीरियसली एक बात कहूँ क्या, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। दूसरी बात ऐसी कि बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं बस बताने के लिए भी कुछ नहीं है। शक शक बस इसीलिए हो जाता है यार, क्योंकि मैं किसी के साथ तुमको शेयर नहीं करना चाहता। मैं किसी के साथ तुमको नहीं देख सकता बस। फिर चाहे तुमको बुरा क्यों ना लगे, बट मेरे को भी तो अच्छा नहीं लगता ना ये सब करना, बट हो जाता है कभी कभार, तो क्या करूं। अब सोच नहीं सकते, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं सो गया 12 बजे 12:30 बजे। जब आपको एक्टिव देखा, लाइव देखा, तुम लाइव बोल रहे हो, ऑनलाइन देखा, तो मैं सो ही नहीं पाया उसके बाद। हेलो, समझ सकती हूँ, नहीं समझ सकते यार, क्योंकि तुम उतना प्यार नहीं करते मेरे से जितना मैं तुमसे करता हूँ। ठीक है, प्यार प्यार दोनों साइड से ठीक है, बट आपका थोड़ा अलग है प्यार, एक जैसा नहीं होता। आई ये नो, हम इंसान पे खुद डिपेंड करते हैं कि हम उसको कैसे लेके जा रहे हैं। पहले तो नसीब में इतनी आप प्यारी लड़की दी है। मैं नहीं चाहता सोचते हो कि कि मेरे मेरे शक वक से तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन क्या करूं यार, हो जाता है। मैं शक नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ। बट मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे से अच्छा तुमको मिल जाए और तुम मुझे छोड़ दो। बेवकूफ हूँ, इतना विश्वास नहीं है मुझ पर। सिर्फ पता प्यार में सिर्फ प्यार करना और ओवर पोजेसिव होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है? इसमें से ही प्यार नहीं होता। प्यार में ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा क्योंकि थोड़ा है सब मुझे कुछ यार, होना चाहिए। है मुझे और आपको आपसे। लगता है शायद आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, ये बात गलत है। मेरा प्यार करने का तरीका कुछ अलग है। मैं हम दोनों को साथ लेके चलती हूँ, ठीक है? कि हाँ इसको भी कोई प्रॉब्लम ना है, मैं आपके हिसाब से भी चलती हूँ। कि ये बात आपको हर्ट होगी तो मैं ये बात ना करूँ, ठीक है? आप क्या देखते हो, आप खुद का देखते हो कि ये तो बस मेरी है, मुझे मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है, ये किसी और से बात नहीं कर सकती, ये ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, ये प्यार है? नहीं अच्छा, I'm sorry ना, आगे से नहीं होगा। इंस्टा आईडी मिल सकता है, बस इतना बता दो। हाँ मैं दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू यार, आई और लव। फिर उस पे भी मुझे पता है, ठीक है? मैसेज बहुत सारे आते हैं, ठीक है? मैं उनको जानती भी नहीं, ऑफ और उस कोर्स पे लड़की हो भी यार, आप आई बोलोगे। नो लड़की हो तुम। पता है मेरे को, मेरे भी एक फेक अकाउंट था ऐसे ही, पहले टाइम पास के लिए बनाया था, तो उस पे भी बहुत सारे मैसेज आते थे लड़की के नाम से। तो अपने आप ही एक दिन, एक दो दिन में 1400 फॉलोअर्स हो गए थे, पता नहीं कैसे है, बट लड़के बहुत वैल्यू होते हैं। तो मुझे पता है तुमको मैसेजेस आते होंगे, आई नो। वो मैसेजेस पढ़ के मुझे भी जरा ऑकवर्ड फील होगा, ऑकवर्ड, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा कि यार ये हाँ टेंशन, मतलब मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं किसी को मैसेज नहीं करूंगा, खुद होके तुम्हारे अकाउंट से, प्रॉमिस। मेरा अकाउंट तुम्हारे पास होगा, ठीक है? बट उस पे ना किसी की फोटो लाइक करनी है, ना किसी की स्टोरी चेक करनी है, ना किसी को किसी का रिप्लाई करना है, ना किसी का मैसेज सीन करना है, ठीक है? हाँ और मैं चैट तो वैसे भी नहीं करती, सिर्फ ग्रुप में मैं रिप्लाई करती हूँ। ओके, थैंक यू। कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। पक्का प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। हाँ अगर कुछ हो अगर गया तो इस उसी दिन तो बात को पासवर्ड लेके चेंज कर कोई देना। मसला क्रिएट किया ना आपने, फिर देख लेना आप। ठीक है, नहीं होगा पापा, पक्का। अगर कुछ लगा ऐसा तो उसी दिन आप पासवर्ड चेंज कर देना। ओके।
आप नहीं सुधरने वाले हैं ना। तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आई लव यू। ऐसे ना, ऐसे मतलब अपनी थिंकिंग थोड़ा चेंज करो, अच्छा ऐसे मत बाबा, आई एम सोचो। सॉरी एंड आई अगर लव इससे यू। आप खुद को हर्ट करोगे, खुद को हर्ट करोगे, अगर ये चीज ना जो हो रहा है अभी आपके साथ मेरे साथ, ये चीज अगर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई तो खुद को संभालना मुश्किल रहता है फिर। ठीक सॉरी, आई लव यू। है, आई लव यू टू। चलो अब रखो फोन, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मम्मी बुला रही है। हाँ ठीक है, तरह ओके बाय।